आज के प्रातः क्लास है 16 जनवरी 1969। बच्चों को पहले पहले एक पॉइंट समझाने की है कि हम सभी भाई भाई हैं और वो सभी का बाप है। जो सब हम आत्माओं का भाई भाई है, भाई भाई का बाप है, उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्वशक्तियां थी जब तुम विश्व पर राज्य करते थे और भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। जो सारे विश्व पर राज्य करते थे, गोया तुम बच्चों का ही राज्य था जबकि तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा जो कुल व डायनेस्टी है वो सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? कहेंगे आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधानता की ताकत है वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। इसलिए सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये भी आत्मा रूपी बैटरी की फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत बनी रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते हैं कि ज्योति कहीं बुझ न जाए। तो बैटरी में ताकत कम होती है, फिर चार्ज करने के लिए रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अभी फिर से तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो ताकि बाप की शक्ति हमारे में आए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। तो थोड़ी शक्ति रहती जरूर है, क्योंकि एकदम शक्ति खत्म हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल ही प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक 2 लीटर अथवा मीटर समझो कम हो जाती है। इसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा सतो प्रधान थी, वो सतो बनी, क्योंकि ताकत कम होती जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन ही जाएंगे। अभी तो तुम तमो प्रधान बन गए हो, तो तुम्हारी ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से तुम्हारी पूरी ताकत हो जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो
देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वो सभी खत्म हो जाने वाले। तो तुमको बेहद का राज्य मिलता है, बाप भी बेहद का है तो उनका वर्षा भी बेहद का है। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी आत्मा की ताकत बिल्कुल कम हो गई है। तो हे बच्चों, अभी तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूं, मेरे द्वारा तुमको ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक थे और वो पवित्र थे, दैवी गुण वाले थे। अभी वो दैवी गुण नहीं है क्योंकि सभी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अभी तुमको बैटरी भरनी है। सो सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। क्योंकि एक बाप ही एवर प्योर है और तो यहां सभी आत्मा इम्प्योर हैं। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अभी बाप समझाते हैं कि एक बाप को ही याद करना है, वो ऊंचते ऊंच भगवान है, बाकी तो सभी रचना है। और ऊंचते ऊंच ये इसी दुनिया की बातें हैं। रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है, वो रचयिता क्रिएटर कहा जाता है और वो क्रिएटर एक ही है, वो है बेहद का बाप। बाकी तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सभी हद के हैं। तो बेहद के बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिल जाती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग स्थापन हो रहे हैं। तुम समझते हो सतयुग आने वाला है और सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो सदा सुख कैसे मिलता है, वो बात बाप बैठ समझाते हैं। माँ में कम याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पवित्र हूं, मैं कभी भी मनुष्य तन धारण नहीं करता हूं, न तो दैवी तन लेता हूं न मनुष्य तन लेता हूं। अर्थात मैं गर्भ में नहीं आता हूं, जन्म मरण में नहीं आता हूं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही लेने के दे देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूं। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है और नंबर वन तमो प्रधान बना है। ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो कोई है नहीं, बाप इनका अर्थ समझाते हैं क्योंकि ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है जहां शरीर नहीं हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है,
ब्रह्मा तो है ही सफेद वस्त्रधारी और वो विष्णु है हीरे जवाहरात से सजाया हुआ। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। अब ऐसा तो कोई शंकर आदि हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी सूक्ष्म वतन में क्या कथा सुनावेंगे? कथा तो निराकार परमपिता परमात्मा को सुनानी है। सूक्ष्म वतन में फिर मनुष्य कहां से आए? January 1969 की वाणी का दूसरा पेज। मनुष्य सृष्टि तो यहां है, बाकी तो वो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते ही फरिश्ते, क्योंकि जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर यहां ही आकर के सत्युग में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करके फिर ये विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी नहीं होती है, तो सोचना चाहिए ये देवताएं कोई हिंसा करेंगे क्या? अभी तुम तो बाप को याद करने से राजा ही लेते हो, कोई माने या ना माने, गीता में भी तो है, बच्चों देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ मां में कम याद करो, और देह के सभी धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को तो देह नहीं होती है जो ममत्व रखें। मैं कहता हूं मैं थोड़े समय के लिए शरीर का लोन लेता हूं, अगर लोन न लूं तो नॉलेज कैसे दूंगा? मैं बीज रूप हूं, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और इस नॉलेज का कोई भी पता नहीं है। कोई भी नहीं जानते सृष्टि की आयु कितनी है। जैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, तो मनुष्य को पता तो जरूर होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु वो मनुष्य पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, और बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस बेहद की पढ़ाई से तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझना चाहिए, भगवान का मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता है। देहधारी का अर्थ है जिसकी बुद्धि देह में धरी रहे, और भगवान की बुद्धि तो देह में नहीं धरी रहती, वो तो देह के अटैचमेंट से सदैव पड़े रहता है। तो मनुष्य को कब भगवान नहीं कहा जा सकता? मनुष्यों की तो बुद्धि देह में ही धरी रहती है, मन चलायमान बना रहता है। इन देवताओं को तो सूक्ष्म देह है, इनों का तो नाम ही अलग है, और इनको भगवान भी नहीं कहा जाता है। ये शरीर इस दादा आत्मा का तख्त,
ये अकाल तख्त है, अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। आया समझ? किसका तख्त है? अकाल तख्त तो है, है? बाप का तख्त है। कब की वाणी है? है 69 की वाणी है। उस समय ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो अकाल तख्त कहे? उस तख्त को काल ने नहीं खाया क्या? फिर अरे ये शरीर तो इस दादा आत्मा का तख्त है। दादा आत्मा अकाल तख्त है ना, अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। कौन से तख्त की बात हो रही है? इसकी यादगार में अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है जो बड़े बड़े होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। कौन है बड़े बड़े और कौन सी दादा आत्मा का तख्त है? ब्रह्मा का तख्त तो अकाल है, अकाल तख्त कहे? वो तो शरीर ही छूट गया। फिर तो जरूर यहां दादा किसको कहा? दादा भी हो सकता है और डाडे भी हो सकता है। अगर दादा कहा तो आत्माओं के बीच में बड़ी आत्मा कौन है? है प्रजापिता। बड़े आत्माओं के बीच में बड़े भाई को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे। इसलिए बोला। और ये प्रैक्टिकल में सामने था या इमर्ज करके बोला होगा? इमर्ज करके बोला होगा। इसकी यादगार अमृतसर में भी अकाल तख्त है क्योंकि बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं एक के बाद एक। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में कौन बड़े बड़े हुए जो उसके अकाल तख्त पर जाकर के नंबर बार बैठते हैं? अरे सत्ययुग में कितने नारायण हैं? 8 नारायण। वो किसके तख्त पर बैठते हैं? यही अकाल तख्त है, विश्व की बादशाही का तख्त है जो नंबर बार बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सभी अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल नहीं खा सकता, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले तख्त छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा तख्त पर जाकर बैठती है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है
हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, तो आत्मा अकाल है। बाकी इनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब कहा जाता है ये कर्मों का फल है। आत्मा तो कब विनाश नहीं होती है, आत्मा का बाप एक है, तो बात समझना चाहिए। ये बाबा शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते हैं, क्योंकि वो शास्त्र तो ऐसे भी भक्ति मार के उनका भूसा कहा जाता है, तो वो भूसा कोई काम का नहीं है। वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये साधु संन्यासी भी गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उस गंगा स्नान से कोई पावन नहीं बन सकते, और वापस तो कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि वापस तो पिछाड़ी में ही सभी को जाना है, जबकि बाप आते हैं ले जाने के लिए। जैसे कि मक्कड़ों का मक्खियों का झाड़ जाता है, उन मक्खियों की भी एक क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जावेंगे तो उनके पिछाड़ी सभी आत्माएं जावेंगी। मूल वतन में जैसे सभी आत्माओं का मजारा रखा हुआ है, यहां दुनिया में मनुष्यों का झुंड है, तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर के सभी आत्माओं को ले जाते हैं, उसको शिव की बारात कहा जाता है, शंकर की बारात नहीं कहते हैं। बच्चे कहो बरानियां कहो सजनियां कहो, बाप आकर बच्चों को सिखला करके पढ़ा करके और फिर याद की यात्रा सिखलाई करके ले जाते। बाकी पवित्र बनने बगैर तो आत्मा नहीं जा सकती। जब तुम पवित्र बन जावेंगे तब पहले पहले शांति धाम जावेंगे, वहां जाकर के सभी आत्माएं निवास करती हैं, वहां से फिर आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, और फिर वृद्धि भी होती रहती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा साजन के साथ योग है, ये राजधानी बननी है, उसमें सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आस्ते आस्ते वृद्धि को पाता है, पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं, पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, जरूर निश्चय बद्धि बने हुए होंगे, तब तो इतने ढेर बने। कोई पूछते हैं बाबा ब्राह्मण कितने होंगे, उनमें से कितने पक्के होंगे कितने कच्चे होंगे, कई तो 99 मार्क्स भी लेते हैं, कोई 10 मार्क्स भी लेते हैं। तो जो 10 मार्क्स लेते हैं कहेंगे कच्चे, तुम्हारे में जो पक्के होते हैं वो जरूर पहले आवेंगे और कच्चे वाले पिछाड़ी आवेंगे।
मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। चोले बगैर आत्मा पार्ट कैसे बजावेगी? तो वो हम पार्टधारी आत्माओं की दुनिया है जो फिरते रहते हैं। सतयुग में हम सुदेवताएं थे, फिर हम सुक्षत्रिय बने, फिर हम वैश्य शूद्र बने, अभी इसको कहा जाता है संगम युग। तो ये भी जानना चाहिए, ये सिर्फ संगम युग नहीं है, क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग है। और ये बात भी अभी बाप ने बताई है, क्या? कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि संगम युग तो बहुत हुए, सतयुग त्रेता का भी संगम, त्रेता द्वापर का भी संगम, द्वापर कलयुग का भी संगम, और कलयुग सतयुग का भी संगम है, जिसमें बाप आकर पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं को बताते हैं कौन कौन है। सोलह जनवरी 69 की वाणी का तीसरा पेज। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए, समझते थे कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया कल्प लाखों वर्ष का नहीं होता है, ये तो पूरे 5000 वर्ष का कल्प है, जिसमें आधा कल्प होता है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। राम राज्य अर्थात एक सिर का राज्य, एक की मत पर चलते हैं, और रावण राज्य अर्थात अनेकों का राज्य, अनेकों मत पर दुनिया चलती है। इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं, कितने धर्म हैं रावण राज्य में, हैं ढेर के ढेर धर्म। तो अनेक मतों पर चलने से दुखी ही दुख बाजता है, एक मत पर चलने से सुखी ही सुख होता है, एक मत पर चलने से जीवन मुक्ति, और अनेकों की मत पर चलने से जीवन बंद हो जाता है। तो आधा आधा है, जीवन मुक्ति की दुनिया भी आधा और जीवन बंद भी आधा, आधा राम राज्य और आधा रावण राज्य। रावण राज्य की हिस्ट्री तो सबके सामने मौजूद है, इस रावण राज्य में अनेक धर्म फैले हुए हैं 2500 वर्ष के अंदर, जहां दुखी ही दुख है, दुख की दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाती है, दिन गिने जाते, दुख में आदमी दिन गिनता है या सुख के टाइम पर दिन गिनता है? है? दुख के टाइम पर दिन गिनता है। तो ये दिन गिनने की दुनिया है जो इतिहास बनाया गया है, वो 2500 वर्ष का इतिहास रावण राज्य का है, अनेक धर्मों का इतिहास है। फिर राम राज्य का इतिहास क्या है वो कोई नहीं जानता, बाप आकर बताते हैं। तो लाखों वर्ष का कल्प नहीं हो सकता, और आधा आधा भी हो नहीं सकता, यहां तो पूरा आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। ये सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है ताकि लोग समझें कि सुख कैसे होता है और दुख कैसे होता है, कैसे होता है। एक की मत पर चलने से
सुख होता है और अनेकों की मत पर चलने से दुख होता है। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप देते हैं। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो इस डाडे का है। बाबा कहाँ है? नहीं, ये शरीर इस दादा का है। कौन से दादा का? नहीं, ये शरीर इस दादा का है। बाबा कहाँ है? मना, ब्रह्मा बाबा का शरीर है। इस ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा नहीं कहेंगे। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है, तो टेम्परेरी रथ है या मुकर्रर रथ है? टेम्परेरी रथ है। बाप कहते हैं हमको सुख तो चाहिए, नहीं हमको मुख तो चाहिए। इसकी यादगारी यहाँ गौमुख बनाया हुआ है। बाकी पहाड़ों से पानी तो जहां तहां आता ही रहता है, और यहां फिर हिमालय पर गऊ का मुख बनाई दिया। उनसे दिखाते हैं पानी आता है, शुद्ध जल आता है या मिट्टी से भरा पूरा आता है? हैं? शुद्ध जल आता है, उनको गंगा जल समझ करके पीते हैं। अब गंगा फिर कहां से आई? ये सभी झूठ बातें हैं। कहां से आई गंगा? पानी की गंगा की बात है या ज्ञान जल की बात है? ज्ञान जल की बात है। कहां से आई? शिव ने इसे गऊ मुख में प्रवेश किया। वास्तव में ये जगदम्बा तुम्हारी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। तो गऊ मुख से मुरली चलाई, और वो मुरली फिर कहां से निकली? कहते हैं ब्रह्मा के कमंडल से मुरली निकली, गंगा निकली। गंगा कहो मुरली कहो बात एक ही। कमंडल क्या है? ये खोपड़ा क्या है? ये कमंडल है। इस कमंडल से वो मुरली आती है, वो ही मुरली फिर कहां धारण हुई? शंकर के मस्तिष्क में धारण हो गई, जटाओं में धारण हुई। जटाएं उलझी हुई होती हैं या सुलझी हुई होती हैं? जटाएं पुरानी होती हैं या नई होती हैं? पुरानी जटाएं होती हैं, माने शास्त्रों का ज्ञान शंकर के मस्तक पर जटाओं के रूप में दिखाया गया है। तो ज्ञान की गंगा मुरलियों की गंगा आती है तो जटाएं सुलझ जाती हैं। तो वो तो उस पानी को गंगा जल समझ करके पी लेते हैं। अब सोचना चाहिए ये गंगा कहां से आई? वो तो सभी झूठ ही बातें हैं। स्थूल पानी की बात नहीं है, ये तो झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इन शास्त्रों में तो सभी झूठी झूठे। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता है
तो इनको जूट खंड कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानी करते हो, कौन ये तुम कह के किसको इंट्रोड्यूस किया, सबसे जास्ती ग्लानी कौन करता है, ये तुम जब कहा तो किसी तरफ इशारा किया या नहीं, अगर सब के तरफ किया तो नंबर वार कहा या एक जैसी सब ग्लानी करते हैं है? नंबर वार सब ग्लानी करते हैं लेकिन अव्वल नंबर में भी तो कोई होगा, कौन है? तुम कह के किसी को तो इमर्ज किया है, सामने बैठने वालों को, वो तो बहुत हो गए, फिर उनमें अव्वल नंबर कौन कौन है जिसकी जटाएं दिखाते हैं, सबसे पुरानी पुरानी जटाएं पुराने पुराने सन्यासियों को दिखाते हैं ना, तो कितनी ग्लानी करते हैं, सर्वव्यापी कह करके बाप की कितनी इंसल्ट कर दी है, और ये सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ से निकला? सर्वव्यापी का ज्ञान निकालने का निमित्त तो कौन बना, जिसने शास्त्र बनाए वो ही निमित्त बन गया, कितना डिफेम करते हो आप बताओ, इस बात पर केस कौन चलावे? तो बाप आकर के केस चलाते हैं, तुम खुद ही बतलाते हो क्या, क्या बतलाते हो कि सबसे जास्ती डिफेम किसने किया, जो चोर है वो खुद ही अंजाम करे, क्या अंजाम करे कि मैंने ही सबसे जास्ती चोरी की है। अभी तुम कहते हो बाबा हमको पावन बनाकर इस पुरानी दुनिया से ले चलो, बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे कामचिच्छा पर चढ़कर काले बन गए, कंगाल हो गए हैं, बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, तुमको स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाते, 500 करोड़ को समझाते हैं क्या, और समझावे भी तो 500 करोड़ समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? 500 करोड़ के न समझने का कारण क्या, क्योंकि 500 करोड़ तो आत्मा है ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले है ही नहीं, सिर्फ 4.5 लाख बच्चे ही हैं, उनमें भी नंबर वार हैं जो ऑलराउंड आत्मा बनकर के रहते हैं, तो तुमको ही समझाते हैं, तो मालूम पड़े हमारा बाप कौन है, बाप कोई कह देते हैं कुत्ते बिल्ली में है, ठिक कर भीतर में है, अब इतना ऊंचा बाप तो ऊंच तन में आवेगा, ऊंच में आवेगा या नीच में आवेगा, ऊंचते ऊंच पाटधारी कौन होता है, है? ऊंचते ऊंच पाटधारी होता है जिसका नाम कहा जाता है हीरो पाटधारी, जो भी धर्म पिताएं हैं नंबर वार हैं, ये एक समान है नंबर वार हैं, तो जरूर ऊंचते ऊंच धर्म पिता को ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े, दूसरे नंबर का धर्म पिता होगा तो जरूर दूसरे नंबर में आवेगा, तो अभी दुनिया जैसे जंगली जानवर बन पड़ी है, इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स,
सभी से बड़ा कांटा काम का लगाते हैं। ये कलयुग है ही पवित्र दुनिया, सतयुग है पवित्र दुनिया। पवित्र देवताओं के आगे जाकर मनुष्य नमन करते हैं। बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियंस हैं, परंतु ऐसे नहीं कि वो विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छींची खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार छोड़ाए देते हैं, सन्यास कराए देते हैं, दूसरे जन्म में फिर भी गृहस्थी के पास जन्म ले, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। सतयुग में ये कृष्ण आदि देवी देवताएं कभी घर बार नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उनका है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास है और सारी दुनिया का सन्यास है। संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो, तुम्हारे लिए सभी स्वर्ग की कामनाएं पूरी होती हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है ना, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ ही जावेगी। तो शिव बाबा को याद करना है, वेद का बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसके लिए कहते हैं मनमना भव, फिर कहते हैं मध्याजी भव। पहले मनमना भव क्यों कहते हैं, बाद में मध्याजी भव क्यों? क्योंकि जब मेरे में बुद्धि लग जावेगी तो तुम्हारे कर्म भी सारे मेरे लिए ही होंगे, तो तुम जरूर देवता बन जावेंगे। ये वही गीता का एपिसोड है और ये संगम युग भी है। मैं संगम युग पर ही आकर के तुमको सुनाता हूं। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे हो। ये सृष्टि बदलती रहती है ना, तुम पति से पावन बन जाते हो, अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो हर एक बात अच्छी रीति निश्चय पूर्वक समझनी है। ये कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, ये तो ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत है, जिस श्रीमत से श्रेष्ठ देवता बनते हो, और वो बात है ही भगवान की। बाकी सभी मनुष्य मात्र की है मनुष्य मत, मनुष्य मत से ही तुम गिरते आए हो। अभी श्रीमत से तुम चढ़ते हो, बाप मनुष्य से देवता बनाए देते हैं। दैवी मत सूर्यवंशियों की है और वो है शूद्रवंशियों की मत। नरकवासियों की है मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण राज्य है। ये सारी दुनिया बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर नई दुनिया में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा, वहां बहुत सुख होते हैं। उस स्वर्ग की कितनी महिमा है, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। तो जरूर इस दुनिया में नरक होगा ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आवेगा ना। अभी स्वर्ग कहाँ है, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं होती हैं। बाप कहते हैं
ये वेद शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग है ही उत्तराई का मार्ग, और ये है तुम्हारा ज्ञान मार्ग, चढ़ती कला का मार्ग, जिसके लिए बाप बैठने नालिश देते हैं, तुम्हारी बैटरी भरते हैं, माया फिर तुम्हारा लिंक तोड़ देती है। कहते हैं बाबा इस माया को रोको, इसको आने नहीं दो। हम लिखता हूं बाबा को तो हम कहता हूं कि खूब जोर से ठूंसा मारो, ताकत को देखना है। बाकी कोई हनुमान आदि की बात नहीं है, वो सभी झूठी कथाएं हैं। झूठी बातें सुनते सुनते झूठे ही बनते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पंद्रह जनवरी 69 का रूहानी बच्चों को ये तो बाप ने समझाया है, जब सामने बैठते हो तो ये समझो कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। वो सभी आत्माओं का बाप है, उसके सामने बैठे हैं। देहधारी बाप के सामने बैठे हैं, देहधारी मनुष्यों का बाप है। ये बुद्धि में न रहे, क्या रहे हैं? वो सभी आत्माओं का बाप है। सभी उनको फादर कहते हैं और सभी कहते हैं उनको याद करो। अंगुली ऊपर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि गॉड फादर ऊपर में रहता है, तो कोई नीचे वाले प्रजापिता की बात है, मनुष्यों के बाप की बात तो नहीं है। सभी जानते हैं कि वो परम धाम वासी परे ते परे रहने वाला है, जहां सभी आत्माएं रहती हैं। फिर सभी आते हैं पार्ट बजाने। 500 करोड़ एक्टर्स इस हार और जीत के खेल के एक्टर्स हैं, तो इस समय खास बाप को क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि आत्मा को पावन बनना है तो जरूर परमात्मा को याद करना पड़े। अपन को आत्मा और बाप को बाप समझना पड़े। वो तो शिव बाबा है, उनको बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो ये गीता पाठशाला है, इसको और कोई पाठशाला नहीं कहेंगे। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने, गीता में राजयोग की बातें हैं ना, समझाते हैं बच्चे ये पढ़ाई ही कमाई है, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना कमाई जास्ती करेंगे। भगवान वाच में तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। एक होते हैं पवित्र राजाएं और दूसरे होते हैं अपवित्र राजाएं। वो पतित राजाएं ऊपर कलयुग में और पवित्र राजाएं होते हैं सतयुग में। ऊपर क्यों लिख दिया है? वो पतित राजाएं होते हैं नीचे कलयुग में और पवित्र राजाएं होते हैं ऊपर सतयुग त्रेता में। इस समय तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया को सतयुग कहा जाता है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। पहले सुखधाम था, 84 जन्म कैसे लेते लेते पट में आकर पड़ते हैं। फिर बाप सतो प्रधान बनने का रास्ता बताते हैं,
बाकी टीचर से कृपा आदि आशीर्वाद नहीं लेंगे, उनका काम ही है टीच करना। पढ़ने वाले अच्छी रीति पढ़ करके अपने ऊपर कृपा आदि करें। मैं तो टीचर हूँ, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बच्चे नापास होते तब हैं जब संग दोष में आ जाते हैं। नहीं तो भगवान पढ़ाते हैं तो कितना ऊंच पद लेना चाहिए। पहले तो निश्चय होना चाहिए, परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, तुम राज ऋषि हो, राजाई के लिए पढ़ते हो, तो सुखदाम का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, आत्माएं मूल वतन में शांत हैं, फिर सत्युग में भी शांति है और सुख भी है। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। हाँ, आधा कल्प के लिए दुख का नाम निशान नहीं रहता है। ये पढ़ाई कंठ कर लेनी है, कहाँ भी बैठे बुद्धि में ये घूमता रहे। अब घर जाना है, वहां तो प्योरिटी ही प्योरिटी है। अभी अवस्था ऐसी चाहिए, बाबा पूछेंगे किसकी याद में बैठे हो, सभी कहेंगे शिव बाबा की याद में। इसको कहा जाता है व्यभिचारी याद। और कोई को याद करने से पाप नहीं कटेंगे, क्यों क्यों नहीं कटेंगे? और कोई को याद करने से है सब, हाँ दूसरे को याद करेंगे तो दो की याद हो गई, एक को ही पतित पावन कहा जाता है। ये पतित दुनिया है, बाकी पावन तो एक भी नहीं है। सभी व्यभिचार से ही भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं। और फिर पवित्र होते हैं, अगर पवित्र होते तो फिर गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं? ये बाप तुमको समझ देते हैं कि पानी कैसे पतित पावन बनावेगा। ये सभी रंग बातें हैं। एक बाप ही राइट बात समझाते हैं। मूल बात है कि हम आत्माएं बेहद के बाप के बच्चे हैं। कहते भी है परमपिता परमात्मा, उसको याद करते हैं तो सभी रचना है। रचना को तो रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। आधा कल्प रावण राज्य होता है, तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र थे, सुखधाम था, सुखधाम से दुखधाम, दुखधाम से सुखधाम, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप की कितनी इंसल्ट करते हैं तो बाप कहते हैं भारत में कितनी गिलानी की है, मुझे भी गालियां देते हैं। कृष्ण के लिए भी कहते हैं इतनी रानियां थी, अभी तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम है, तुम्हारे अहम ऑब्जेक्ट भी सामने है। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग में तुम जा ही नहीं सकेंगे। स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा मिल जाता है तो एक जन्म पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? पुरानी दुनिया को तो जरूर विनाश होगा, नई दुनिया में खानियां आदि सभी भरपूर हो जाती हैं। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाप ही बाप टीचर सदगुरु है। अभी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप बस में हो जावेंगे, दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं और मीठा भी बनना है, किसको दुख नहीं देना है, गाली आदि भी नहीं देना है। तमो प्रधान आत्मज्ञानी देती है, देवताएं तो कितने प्यारे लगते हैं, उनका दर्शन करने सभी जाते हैं। यहाँ तो मुख्य पढ़ाई की बात है, उसमें नंबर वन बात है पवित्रता की, और मेहनत नहीं, दूसरी कोई मेहनत तो देते नहीं। और कुछ न कुछ समझें,
सिर्फ ये समझें कि मैं आत्मा हूँ। पहली बात तो ये, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है। काम की चेष्टा पूरी न होने से अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।